दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि अपना वेबसाइट का नाम आप किस तरह से गूगल में शो कर सकती हो। तो आप अगर अपना वेबसाइट का नेम गूगल में शो करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देख लेना। तो दोस्तों, इस वीडियो में जब भी मैंने YouTube सर्च किया हूँ तो YouTube आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने YouTube सर्च करने के बाद YouTube का जो URL होता है उसका ऊपर YouTube का नेम चले आया है। लेकिन जब भी मैं WBBPE सर्च किया हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनका URL शो हो रहा है। तो इनको किस तरह से फिक्स करेंगे कि URL अगर शो हो रहा है आपके गूगल सर्च गूगल सर्च के अंदर अपना वेबसाइट का URL अगर शो हो रहा है तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो कि अपना वेबसाइट का नाम आप शो करना चाहते हो तो शो हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कुछ कोडिंग यहाँ पर लाया हूँ, जिस कोडिंग के ऊपर आप बेस करोगे तो आपका वेबसाइट का नेम गूगल सर्च में शो होने लगेगा। तो दोस्तों, ये शो होने में ज़्यादातर 1 month लगेगा, ठीक है। इनका नाम एक कोडिंग देने के बाद आपका URL के अंदर जो URL शो हो रहा है उसके ऊपर नाम शो होने में लगभग 1 month लगेगा, ठीक है, तो गूगल सर्च में। तो आप इस कोडिंग को समझ लीजिए एंड अपना वेबसाइट के अंदर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आप किस तरीके से आप अपना वेबसाइट का नाम गूगल सर्च में शो कर सकती हो, तो इसीलिए सबसे पहले आपको जो काम करना पड़ेगा, टाइटल के अंदर अपना वेबसाइट का नाम रख देना है। जैसे अगर आप समझ लो मेरा चैनल का नाम टेक्नो, तो अगर मैं टेक्नो का ऊपर कभी भी एक ब्लॉग बनाऊँगा तो मेरा टाइटल का अंदर ये टेक्नो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ओजी साइड नेम, एक आपको मेटा टैग करना है, जिस मेटा टैग के अंदर आपका ओजी साइड नेम देना है, जिस साइड नेम होगा अपना वेबसाइट का नाम। उसके बाद दोस्तों, आपको वेबसाइट स्कीमा डेटा या स्ट्रक्चर डेटा चाहिए। तो आपको दोस्तों, ये वेबसाइट स्ट्रक्चर डेटा है जो मैं आपको कहाँ कहाँ चेंज करना है वो सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, जस्ट 2-3 जगह चेंज करना है। आप यहाँ पर नेम देख सकते हो, नेम एग्जांपल वेबसाइट, तो यहाँ पर अपना वेबसाइट का नेम दे देना है एंड URL का अंदर जो URL है दोस्तों, उसके बाद URL को अपना वेबसाइट का URL दे देना है। जो कोनिकल टैग होता है आपका, उसी URL को यहाँ पर पेस्ट करना है, आपका कोनिकल टैग का URL, ठीक है, या होम पेज का URL। जैसे आप समझ लो youtube.com या google.com एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना वेबसाइट का URL यहाँ पर दे देना है जो कनिकल टैग के अंदर आता है। उसके बाद दोस्तों, अपना डिस्क्रिप्शन दे देना है यहाँ पर, अपना वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन दे देना। उसके बाद और एक थोड़ी सी चेंज करना है दोस्तों, जो आपको यहाँ पर टारगेट के अंदर आप ये जो भी लाइन है पूरा लाइन आपको रखना है, सिंपली यहाँ पर से आपको वेबसाइट जहाँ पर है उसी आपको चेंज करना है, वही जगह आपको चेंज करना है। example.com जो URL है उस URL को ही चेंज करना है, विदाउट आपको सिलेक्ट सर्च जो भी यहाँ पर है ये आपको यही रहने दीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर जो टेक्नो, ठीक है, .com मैं एग्जांपल के लिए बता दिया हूँ आपको, अगर कॉन्फ्यूज हो तो आपको यह ऐसे ही रख देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, और एक आपको जो स्कीमा डेटा चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा डेटा, आप यहाँ पर सिंपली अपना नेम चेंज कर लो ऑर्गेनाइजेशन का एंड आप URL चेंज कर लो, लोगो URL चेंज कर लो एंड फाउंडर चेंज कर लो, टाइप जो भी पर्सन है आप, अगर ये दोनों लिखा है, अगर एक है तो आप इसको एक को कट कर सकती हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपली इसको हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अपना एड्रेस दे दो, कॉन्टैक्ट पॉइंट दे दो, और कुछ नहीं करना है, सिंपली यही चीज़ करना है दोस्तों। अगर टाइटल में किस तरह से आप काम करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने टेक नूर, ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डबल कलर दिया एंड यहाँ पर दिया यूट्यूबर, ठीक है, यहाँ पर यूट्यूबर, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। एंड आपको ओजी टैग किस तरह से है, ओजी टैग के अंदर आप एक मेटा टैग होता है, जिस तरह का इस तरह का काम होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर मेटा ओजी टैग ओजी साइड नेम, ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर अपना साइट का नाम दे देना है। इस तरीके से काम होता है दोस्तों। आप
ये जो मेटा टैग दे मैंने आपको बताया हूँ, आप सिंपली क्या करो, मेरा वेबसाइट में ये अच्छी तरीके से मैंने इसको डिजाइन करके रखा है, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप एक एक करके कॉपी करके रख सकते हो। और एक चीज़ दोस्तों कि ये आप सिंपली एक ही जगह पर रख सकते हो, वो है अपना होम पेज। होम पेज के ही अंदर ये रख सकते हो, होम पेज के अंदर हेडिंग टैग में इसको रखना है, जो भी रखना है, टाइटल, मेटा टैग और वेबसाइट स्कीमा डेटा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा डेटा, जो भी कुछ रखना है टाइटल के अंदर, सॉरी हेडिंग के अंदर रखना है, एंड आपको होम पेज में ही रखना है, अदर्स कोई भी पेज को कोई भी पेज में ये नहीं रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।